अभी पिछले कुछ टाइम में ही बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज थिएटर्स में रिलीज हुई थी जो अभी भी OTT रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं। बाकी बहुत सारी बड़ी बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जो अभी जल्दी ही हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाली हैं, जिनके नेक्स्ट सीजन हमें अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी तक इन सीरीज को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, तो ऐसे ही मजेदार अपडेट्स लेते रहने के लिए वो छोटू सा लाल रंग वाला सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, और मुझसे लाइव बात करने के लिए आप मुझे हर संडे को दोपहर 1 बजे YouTube पे लाइव स्ट्रीम में मिल सकते हो, जहाँ पे मैं लाइव आके आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ। जिसमें सबसे पहले नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई हिंदी बड़ी वेब सीरीज हीरा मंडी, जो काफी टाइम से चर्चा में बनी हुई है, और अभी ये सीरीज पूरी तरह से बनके रेडी हो चुकी है, जिसका अभी बस फाइनल टचअप ही हो रहा है, जो हमें इसी साल के अगस्त में देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस देखने को मिलने वाली है और कहानी कुछ प्रोस्टिट्यूशन के रिलेटेड होने वाली है, जिन सभी की जिंदगियां हमें इस सीरीज में दिखाई जाने वाली है। इसके बाद है एक नई बड़ी एनिमेशन एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज द मंकी किंग, जो एक टॉप नॉच एनिमेशन वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी भी रिलीज डेट अभी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी 18 अगस्त से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है हमारे कैप्टन अमेरिका के साथ एक नई स्कैम क्राइम थ्रिलर मूवी पेन हसलर्स, जो एक बड़ी क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें कैप्टन अमेरिका अपने दो और दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा स्कैम करने वाला है, जो अभी 27 अक्टूबर से हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है जैपनीज एनिमी मूवी से इंस्पायर्ड हुई एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज वन पीस, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाने वाला है, जो अभी पूरी तरह से बनके रेडी हो चुकी है और अभी 31 अगस्त से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है इंडिया की एक और बड़ी सुपरहिट वेब सीरीज स्कैम 1992 का सीजन 2, जिसका नाम है स्कैम 2003, जिसमें हमें अब्दुल करीम तेलगी की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी ओर से भी इंडिया में एक बड़ा स्कैम किया गया था और जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी साल में मींस के 2 सितंबर 2023 को देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बहुत सारी ऑडियंस इंतजार कर रही है नेटफ्लिक्स की एक 18 प्लस अडल्ट कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज सेक्स एजुकेशन के सीजन 4 का, तो बता दूं कि इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन भी हमें इसी साल में देखने को मिलने वाला है, जिसकी भी रिलीज डेट इस साल के लास्ट क्वार्टर में होने वाली है, मतलब के नवंबर या दिसंबर में देखने को मिलने वाला है सेक्स एजुकेशन सीरीज का सीजन 4, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। इसके बाद है एक और इंडियन बड़ी रोमांटिक एक्शन सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज ये काली काली आंखें तुरुरू तुरुरू का सीजन 2, जो भी सीजन 2 के लिए काफी टाइम पहले रिन्यू कर दिया गया था और अभी प्रोडक्शन के अंडर चल रहा है, जो हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है, मतलब के इसी साल में देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी कन्फर्म अपडेट नहीं आई है नेटफ्लिक्स की ओर से इस सीरीज की रिलीज डेट को लेके, तो जब भी कुछ कन्फर्म पता चलता है मैं आपको जरूर बता दूंगा, जिसके लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद है एक नई एक्शन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी हु इज एरिन कार्टर, जो एक नई रॉबरी मूवी होने वाली है, जिसमें एक प्रोफेसर अपने आप को एक रॉबरी के अंदर फंसी हुई पाती है, तो कैसे फंस जाती है और उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ने वाली है, वही हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है, जो अभी 24 अगस्त से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद काफी कमेंट्स आए बॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी जरा हटके जरा बचके को लेके, जो रिलायंस एंटरटेनमेंट की मूवी है और ज्यादा चांस है कि ये मूवी हमें मोटा भाई के ही प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे ही देखने को मिले, जिसकी OTT रिलीज डेट अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक की होने वाली है, क्योंकि इसकी थिएटर विंडो इतनी ही बनती है। बाकी किस OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए देखने वाली है उसके बारे में हमें जुलाई मंथ के थर्ड वीक में कन्फर्म पता चल जाएगा, जुलाई एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ही होने वाली है। सनफ्लावर का नेक्स्ट सीजन अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुनील ग्रोवर की मास्टरपीस कही जाने वाली वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज सनफ्लावर, जिसका सीजन 1 काफी टाइम पहले रिलीज हुआ था, लेकिन काफी वेट करने के बाद अभी फाइनली Zee5 की ओर से इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है, और अभी ये सीरीज प्रोडक्शन के अंडर है, जिसके बाद ये सीरीज अगस्त मंथ तक रेडी हो जाएगी ऑफिशियली Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने के लिए। इसके बाद अमेजोन की ही 2020 में रिलीज हुई एक और बड़ी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज पताल लोक, जिसका सीजन 1 2020 में रिलीज किया गया था, और इस साल में ही पताल लोक के सीजन 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है अमेजोन प्राइम की ओर से, जो हमें इसी साल सितंबर मंथ में ही देखने को मिल सकती है। इसके बाद है अमेजोन प्राइम की एक बड़ी साईफाई फैंटेसी थ्रिलर वेब सीरीज द व्हील ऑफ टाइम का सीजन 2, जिसका सीजन 1 अभी लास्ट ईयर 2022 में रिलीज किया गया था, और अभी इस बड़ी वेब सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज होने वाला है, जिसे 1 सितंबर से रिलीज किया जाएगा और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी।
हम चलते हैं MX Player की ओर, जिसे अभी Amazon की ओर से खरीद लिया गया है और MX Player का अभी Amazon के साथ मर्ज चल रहा है, जिसके कंप्लीट होते ही हमें MX Player की कुछ बड़ी बड़ी वेब सीरीज जो अभी नेक्स्ट सीजन की रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी हुई है वो हमें रिलीज होते हुए देखने वाली है। जिसमें सबसे बड़ी वेब सीरीज है आश्रम का सीजन 4, जिसका सीजन 3 लास्ट में रिलीज किया गया था। ये सीरीज अभी ऑलमोस्ट रिलीज के लिए रेडी है, जिसकी रिलीज का इंतजार हो रहा है तो बस Amazon के साथ MX Player का मर्ज होने का। बाकी थोड़ा सा इंतजार तो और करना पड़ेगा जब तक हमें इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के मर्जर की कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिलती। इसके बाद काफी इंतजार हो रहा है मार्वल्स की एक बड़ी फैंटेसी सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज लॉकी के सीजन 2 का, जिसके सीजन 1 को आए हुए अभी काफी टाइम हो चुका है और अभी इस सीरीज का सीजन 2 भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, जिसका बस अभी फाइनल टचअप हो रहा है। बट इस सीरीज की ऑफिशियल रिलीज डेट ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुकी है, जो हमें इसी साल में अक्टूबर मंथ में देखने को मिलने वाली है, जिसे 6 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक हॉलीवुड 80 प्लस अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी नो हार्ड फीलिंग्स, जो एक आहा वाली कॉमेडी ड्रामा मूवी है और थिएटर्स में सुपरहिट जा रही है, जिसकी अभी वीडियो ऑन डिमांड रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें 15 अगस्त से वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिलने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। जिसे हिंदी ड्रामे भी रिलीज किया जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें वीडियो ऑन डिमांड रिलीज के काफी बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें सितंबर मंथ में ही हिंदी ड्रामे देखने को मिल सकती है। इसके बाद पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया भी इंतजार कर रहा है नेटफ्लिक्स की बड़ी कोरियन गेम शो सीरीज स्क्विड गेम के सीजन 2 का। लेकिन स्क्विड गेम के सीजन 2 को आने को तो काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें इस साल में देखने को मिलेगी स्क्विड गेम चैलेंज सीरीज, मतलब के असली लोगों के साथ खेली गई, जिसमें पूरी दुनिया से लोगों को इनवाइट किया गया ये गेम खेलने के लिए, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी 15 नवंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है एक और कोरियन बड़ी सुपरहिट वेब सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड का सीजन 2, जिसकी अभी रिलीज डेट अनाउंस तो नहीं हुई है और लगता भी नहीं है कि हमें इस साल में देखने को मिल सकती है, लेकिन जल्दी ही देखने को मिलेगी, जिसकी प्रोडक्शन अभी शुरू हो चुकी है, जो हो सकता है कि हमें 2024 के शुरू में देखने को मिल जाए। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक और बड़ी कोरियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज हेलबाउंड, जिसका सीजन 2 भी अभी रिन्यू कर दिया गया है नेटफ्लिक्स की ओर से, और ये सीरीज भी अभी प्रोडक्शन के अंडर जा चुकी है, जिसे 2024 के शुरू में रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी देखने को मिलेगी। इसके बाद है एक और सुपरहिट कोरियन हॉरर एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज स्वीट होम, जिसका सीजन 2 अभी रिलीज होने वाला है, जो हमें इसी साल में देखने को मिलेगा, जिसकी रिलीज डेट कंफर्म तो नहीं हुई है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में देखने को मिलने वाली है, मतलब के नवंबर या फिर दिसंबर में देखने को मिलेगी ये सीरीज, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। इसके बाद है मोस्ट अवेटेड हाइस्ट वेब सीरीज मनी हाइस्ट का नेक्स्ट पार्ट बर्लिन, जिसका सीजन 1 अभी जल्दी ही बनके रेडी होने वाला है और हमें इसी साल में देखने को मिलने वाली है ये सीरीज, जिसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, जिसे इसी साल दिसंबर मंथ में रिलीज किया जाने वाला है, मतलब के अभी काफी टाइम लगने वाला है, जिसमें अभी करीब 7 महीने बाकी बचे हैं, तो ये सीरीज अभी के लिए हमें 29 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है सोनी लिव की ही एक और बड़ी वेब सीरीज अनदेखी का सीजन 3। तो इस सीरीज के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी ये सीरीज ऑन द फ्लोर चल रही है, मतलब कि इस सीरीज की शूटिंग ऑन द वे है, जो अभी जल्दी ही नेक्स्ट मंथ तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये सीरीज पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते हुए देखने वाली है, जिसके भी पहले 2 सीजन बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे, लेकिन फिर भी सीजन 2 सीजन 1 से थोड़ा सा कम ही रहा। बाकी अभी देखते हैं कि सीजन 3 में कैसी वाइब रहती है इसकी। इसके बाद बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज की गई एक बड़ी और बढ़िया क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज आर्या, जिसके 2 सीजन अभी ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और अभी इंतजार हो रहा है इसके सीजन 3 का, जो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो सीरीज अभी पोस्ट प्रोडक्शन में जाने के बाद और हमें इसी साल में सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ तक देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक और बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर हिंदी डब वेब सीरीज ल्यूपिन, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज किए गए हैं, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 5 अक्टूबर की, जिसे आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे भी चेक कर सकते हैं, जहां पे उन्होंने इस सीरीज की ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। तो ये थी आज की अपडेट, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी OTT अपडेट्स के बारे में बताया। बाकी और भी आने वाले समय में बहुत सारी अपडेट्स कंफर्म होती रहेंगी, जिनके बारे में टाइम टू टाइम मैं आपको बताता ही रहूंगा, जिसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।